नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए बात करते हैं कुछ वास्तु टिप्स के बारे में। नंबर एक, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की पूर्व या उत्तर दिशा में तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। यह वास्तु दोष को दूर करने के साथ ही धन संबंधी रुकावटों को भी दूर करता है। नंबर दो, वास्तु नियम के अनुसार यदि आप नौकरी या व्यापार में आर्थिक उन्नति चाहते हैं तो अपने घर में उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण को साफ रखना चाहिए। नंबर तीन, एक अखंडित भोजपत्र पर लाल चंदन को पानी में घोल लें और उसको इंक जैसा इस्तेमाल करते हुए मोर पंख से श्रीम लिखें। अब इस भोजपत्र को तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से कुछ ही दिनों में फ़ायदा मिलना शुरू हो जाता है और घर में धन बढ़ने लगता है। नंबर चार, घर के दरवाजे पर लाल रिबन में बंधे सिक्के लटका दें। इससे घर में धन और समृद्धि आती है। नंबर पाँच, अपनी तिजोरी में व्यापार वृद्धि यंत्र, महालक्ष्मी यंत्र और बीसा यंत्र रखें। तिजोरी में इन्हें रखने से महालक्ष्मी माँ लक्ष्मी आकर्षित होती हैं। नंबर छः, पीपल की जड़ में जल चढ़ाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। माँ लक्ष्मी के प्रसन्न होने से उनका वास हमेशा घर में बना रहता है। ऐसे में आप लोहे के बर्तन में जल, चीनी, दूध और घी का घोल लेकर आपको इसे पीपल की जड़ में अर्पित करने से धन की बारिश होगी। नंबर सात, सूर्य देव को जल चढ़ाएं। रुके हुए धन को वापस पाने के लिए रोजाना सूर्य देव को जल और गुड़हल का फूल अर्पित करें। नंबर आठ, शुक्रवार के दिन गरीबों को सफ़ेद अनाज जैसे चावल का दान करें। इसके अलावा दूध, शक्कर, सफ़ेद कपड़े दान करें। इससे भी लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होती हैं और धन दौलत देती हैं। नंबर नौ, सुबह उठते ही दोनों हाथों को देखें। अगर आप चाहते हैं कि दिन की शुरुआत अच्छी हो तो सुबह उठते ही सबसे पहले अपने दोनों हाथों की हथेली को मिलाकर देखें। नंबर दस, शास्त्रों के अनुसार पीली कौड़ी माँ लक्ष्मी का प्रतीक होती हैं। घर में इस तरह कौड़ियाँ रखने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। आशा करती हूँ आपको ये मेरे द्वारा बताए गए वास्तु टिप्स अच्छे लगे होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।